देशतक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप तस्वीरें देख रहे हैं गोहाना के, गोहाना ब्लॉक की तस्वीरें हैं जहां पर ट्रेजरीज में पहुंचे पेंशनर जो है पहुंचे हैं, जहां पर उनको समय पर पेंशन न मिलने से नाराज होकर जो है उन्होंने एक प्रदर्शन किया गया। आप बता दें कि गोहाना के ब्लॉक में जो आज जो है पेंशनर जो कि सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको पेंशन के लिए ट्रेजरी में आना होता है जहां पर उन्हें पेंशन मिलती है। और बता दें कि इनके द्वारा बताया गया है कि जो पेंशनर है उनके द्वारा बताया गया है कि हम लगभग 3/4 बार यहां पहुंच रहे हैं, उसके बाद भी उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है। लगातार जो है यहां पर पहुंचते हैं तो कर्मचारी जो है जो सर्वर डाउन का बहाना कहकर हमें यहां से भेज देते हैं, लेकिन आज फिर यही हमें सुनने में आया कि सर्वर डाउन है, उसके बाद जो है वह आग बबूला हो गए। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है एक तरह से प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार के कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि हमारी जो पेंशन है वह समय पर मिलनी चाहिए, हम जो है बुजुर्ग हैं, किसी को शुगर हुई है, किसी के पैरों में दर्द रहता है, तो उन्होंने कहा कि हम जो है बार बार चक्कर नहीं काट सकते और हमारा यही गुजारा करने के लिए पेंशन पर ही आश्रित है, हमें पेंशन समय पर नहीं मिलती है तो हमें घर का गुजारा चलाना मुश्किल हो जाता है। आप तस्वीरें देख रहे हैं गोहाना के, गोहाना ब्लॉक कार्यालय की तस्वीरें हैं जहां पर पेंशनर इकट्ठा हुए हैं। इकट्ठा होकर उन्होंने बकायदा मीडिया को यहां पर बुलाया गया, मीडिया को बुलाकर जो है अपनी समस्या सरकार तक भेजने के लिए उन्होंने मीडिया को बुलाया गया और उन्होंने कहा कि हमारी जो सरकार हमारी जो बातें हैं वो सुने। और आप सभी से अपील है कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। क्या समस्या यहाँ पर ब्लॉक में आ रही है? ये समस्या है जी, पेंशन नहीं आ रही, हाजिरी लगा के गए थे हम दोबारा, फिर हाजिरी के लिए बुला लिए, फिर कंप्यूटर बंद, तीसरी बार फिर बुला लिए, फिर साइट बंद है। कितने दिन से समस्या आ रही है? ये समस्या आज 14 तारीख होगी, पहली तारीख से चल रही है। तो किस तरह पेंशन को, कौन सी पेंशन आपको? मेरी तो एजुकेशन की है जी, टीचर की, टीचर रिटायर। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ये कह रहे हैं वो साइट चलेगी जब अंगूठे सत्यापित होंगे। अब बुजुर्ग आदमी गोड्डे में दर्द है, यहाँ कैसे चक्कर काटते रहे जी रोज, कई बार समस्या आ गई है। हाँ, क्या नाम है आपका, क्या समस्या यहाँ पर आई है? सतपाल है सर मेरा नाम है जी। समस्या ये है जी, पहली तारीख ना आए थे हमें, पहली तारीख ने गुट्ठे लगवा लिए, सारा काम करवा लिया, पेंशन आ नहीं रही है। ये एक बार फिर बीच में आए थे, ये इनकी यह मशीन ही बंद खराब रहा है, कल आइयो, रोजाना नुक दें कल आइयो। हाँ, तो बुजुर्ग आदमी है, यह समस्या है, ये रोज आने की। तो कौन से डिपार्टमेंट से आप? सिंचाई विभाग से। तो अब क्या जवाब दिया ना? ये भी का हमारी ये मशीन ही खराब हो रही है, फिर आई साइड नहीं चल रही। तो कितने दिन से समस्या आ रही है? ये तो पहली तारीख से शुरू है जी, पहली तारीख से आ रही है जी। कहाँ से आना होता आपको? हमारे बड़ी गांव से आना है। आपका? मेरा जी आनंद है जी। कौन से विभाग से रिटायरमेंट? PWD&RC। अच्छा, क्या समस्या यहाँ पे आ रही है? यह समस्या 16 को गुट्ठे लुवाए दिन ने इलेक्शन के बाद, अकबर इलेक्शन में ड्यूटी लाग रही हमारी, थोड़ा के बाद गुट्ठे लुवाए, फिर पेंशन नहीं आई, फिर पता लगे बोला सिस्टम खराब हो रहा है, आज फिर सिस्टम खराब पाया। तो कितने दिन से समस्या आई? ये पिछले महीने से, अच्छा तो ठीक आओ थी दिसंबर की है। किसी अधिकारी से मुलाकात की है? नहीं, जितने भी अट्ठे सारे हैं दो ही है। तो क्या कह रहे हैं? ये कदे बताऊँ सिस्टम खराब हो गया भाई, कदे कुछ कहें, कदे आधार कार्ड लाओ, पैन कार्ड लाओ, चंडीगढ़ दी सारे कागज सारे मारे, इन कागजा पता नहीं भाई जिनका जमा भी हो रहा है सब कुछ, फिर भी मांगे हैं दुगली दें जाए, ड्यूटी की चाहिए है, डेली वेजेज वाले सेंक्शन वाले हुए कर्मचारी काम करें, आधा मशीन का जेरा नहीं चलानी है ना चलानी है, वो ड्यूटी बाज भी नहीं है। क्या नाम है जी आपका? राजबाला नाम है जी मेरा। क्या समस्या यहाँ पर आ रही है? यहाँ जी पहले महीने में फार्म भर गए थे और काम जी होता है और अब भी कोई सुनाई नहीं हो रही, 15 दिन हो गए रोज आवा हैं और ना हमारा काम हो रहा, पेंशन का करे, साइड बंद है, कदे कदे है मशीन खराब है, कदे छुट्टी वाला है, क्या करे हमें, शुगर थायराइड के मरीज हूँ।
अब जो आए थे आप, अब इन्होंने क्या कहा? अब क्या साइड बंद है, तो क्या मांग करते हो? हम चाहे पेंशन मिल जाए, हम इसी के सारे गुजारा कर रहे हैं, और कोई साधन नहीं है। ऑनलाइन नहीं आती है पेंशन आपकी? ना जी। सर बताइए क्या समस्या यहाँ पर आ रही है आपको? समस्या ये पेंशन की है जी, पेंशन नहीं दे रहे, कितने दिन हो गए, एक महीने से चक्कर काट रहे हैं यहाँ। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? हम कहना टाइम पे पेंशन दो ना, तो क्यों आने बिठा रखे हैं ये? हैं? हाँ, यह बात आगे तो ही पहुँचाओ, जानी चाहिए। इनके रोजाना लाइन खराब हो ही रहे हैं, हम भी 20-20 किलोमीटर से आते हैं, भाड़ा लागे, ये क्यों नहीं वो कर दे? हाँ है जी, हरियाणा सरकार से क्या कहना चाहोगे? हम तो सरकार से ये कहना चाहो, हमारे समय में पेंशन दो, हमने बूढ़े हो गए काम कर दे, हमारे को ये नतीजा मिल रहा है, टाइम पे पेंशन भी नहीं मिल रही हमारे को। हाँ जी, बत्ते बत्ते कुछ नहीं पता, जो डुकाव है कि नहीं आंदा है कि ये चक्कर है। तो आज क्या समस्या आई है? आज पेंशन की समस्या आ रही है आज भी, ये कह रहे हैं लाइन खराब है। हाँ सर, क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। सर एक ये पेंशनर इकट्ठे हुए थे कि उन्हें जो है पेंशन नहीं मिल पा रही है, क्या कारण था इसके लिए? अभी सर्वर की दिक्कत चल रही है, और जैसे सर्वर चल जाएगा तो उनकी हाजिरी लगा दी जाएगी। अच्छा, और उनको पेंशन प्राप्त। क्या समस्या आ रही है, क्या सर्वर में? क्या सर्वर नोट, सर्वर ऊपर से नहीं चल रही है, साइड सर्वर नोट डाउन आता है। तो उन्होंने तो ये कहा कि पिछले 15 दिन से ये समस्या आ रही है, कई बार यहाँ पर उन्होंने आ चुके हैं लेकिन बुजुर्ग हैं, उनको बाहर से आना होता है। कई क्या होता है पीछे, कईयों की आधार में ना उसमें डाटा मिसमैच है, कार्ड नहीं हो पाई, इसलिए उनकी दोबारा हो रही है जी, और जिसकी हो गई है उनको मिल चुकी है। ठीक है।